बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस अनुच्छेद के अनुसार यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिलता है? तो ये हम लोग जानते हैं अनुच्छेद यानी आर्टिकल 330 के अंतर्गत लोकसभा में SC ST को प्रतिनिधित्व मिलता है, उनको यानी आरक्षण मिलता है इसमें लोकसभा में। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अल्पसंख्यकों को स्वयं की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार मिलता है? तो हम लोग जानते हैं ये आर्टिकल 31 के तहत अल्पसंख्यक चाहें तो अपने शैक्षिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक माध्यम क्या है? यानी इसकी लैंग्वेज जो है वो टफ लगती होगी, लेकिन आंसर सभी को पता है कि सामाजिक नियंत्रण यानी समाज में जो क्राइम है या उसका नियंत्रण है किस तरीके से किया जाए, इसके लिए औपचारिक माध्यम जो होता है हम सभी लोग जानते हैं कानून होता है। कानून के द्वारा ही सामाजिक नियंत्रण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर फोर, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई यानी भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1905 में की गई, जबकि दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन जो आज भी सबसे लंबी लाइन है जब वो स्थापित हुई थी तब इंडिया में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? ये हम लोग जानते हैं कि मुंबई और ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की गई थी पहली रेलगाड़ी के द्वारा। किस लेंस के से प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है? तो इसका हमने बोला कि इस लेंस के लेंस हम लोग जानते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस जो कि बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, और एक वो लेंस होता है जो बीच में पतला होता है और किनारों पे मोटा होता है, इसको तो बोलते हैं अवतल लेंस, और जो बीच में मोटा होता है उसे कहते हैं उत्तल लेंस। इसको इंग्लिश में कॉनवेक्स बोलते हैं और इनको कॉनकेव बोलते हैं। इनका काम होता है जो रेज आ रही हों उनको अंदर की तरफ मोड़ देना, और इस लेंस का काम होता है किरणों को जैसे कांच का या प्लास्टिक का ये बना हो सकता है जो बीच में पतला होता है, तो जो रेज आ रही होती हैं उनको बाहर की तरफ मोड़ देना। तो इस क्वेश्चन ये था कि किस लेंस के द्वारा उत्तल लेंस या अवतल लेंस के द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनाने के लिए किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए दो रेखाओं की ज़रूरत होती है, कम से कम दो रेखाएं हों और जिनका हमको रास्ता मालूम हो। तो इसका आंसर तो अवतल लेंस है, और कैसे बनेगा, जैसे हम प्रतिबिंब वस्तु को कहीं पर रख दें, ये वस्तु है जिसका प्रतिबिंब बनाना है, जैसे दो रेज लेते हैं, एक रेज के बारे में चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो हम लोग जानते हैं कि ये इसका प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, इससे जाने वाली रेज बिल्कुल सीधे निकल जाती है बिना मुड़े हुए, और हर एक लेंस का फोकस होता है, इसका अवतल लेंस का फोकस यहाँ पर होता है यानी इस तरफ होता है, और जबकि उत्तल लेंस का जिधर से लाइट आ रही है उसके दूसरी साइड। तो जब रेस प्रिंसिपल एक्स ये कहलाती है मुख अक्ष कहलाती है जिसके बीचों बीच से जाती है लाइन, और मुख अक्ष कहलाती है, और इसकी डिटेल बाद में भी पूछेंगे तो बता देंगे, मुख अक्ष के समांतर जो किरण जाती है वो इससे अपवर्तन के बाद यानी रिफ्रैक्शन के बाद वो हट जाती है, थोड़ी सी दूर चली जाती है इस मुख अक्ष के यानी प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हट जाती है, और ऐसी हटती है कि ये ऐसा महसूस होता है कि ये फोकस से होकर जा रही है। और जहाँ पर ये तो आने वाली रेस थी यानी इंसिडेंट रे, और ये हैं बाहर निकलने वाली हैं इमरजेंट रे हैं, इमरजेंट रे को पीछे जहाँ पर ये मिलती हैं या मिलाते हुए मानी जाएंगी, तो यहाँ पर तो नहीं मिलती हैं लेकिन देखना इसको पीछे की तरफ, क्योंकि ये रे ऐसे आई इधर चली गई,
जो प्रकाश की किरण होगी यानी बीम ऑफ लाइट होगी, इसको जब पीछे की तरफ मिलाएंगे तो इस पॉइंट पर मिलती हुई मालूम पड़ती है। यहीं पर इस ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज ए डैश बी डैश बनता है जो हमेशा सीधा भी बनेगा। ये अवतल लेंस से जब भी प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा, और जो भी प्रतिबिंब सीधा हो हमेशा याद रखें वो आभासी भी होगा, यानी आभासी होगा। यस, मेरे कहने का मतलब था जो सीधे को कहते हैं इरेक्ट बोलते हैं और आभासी को कहते हैं वर्चुअल, तो वर्चुअल और जो होगा वो इरेक्ट भी होगा। और अवतल अवतल लेंस से हमेशा प्रतिबिंब जो होता है आभासी, और इस अवतल लेंस से प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा छोटा भी होता है। तो ये तीन चीज़ें हमेशा अवतल से दर्पण से याद रखें कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और छोटा बनेगा। अगला क्वेश्चन सातवां, आँख का कौन सा भाग कैमरे की शटर की तरह कार्य करता है, यानी कैमरे में शटर का काम होता है लाइट को कम या ज़्यादा करना। तो हम लोग जानते हैं आँख का जो बाहरी हिस्सा होता है इसे कॉर्निया बोलते हैं, और उसके बाद यहाँ सफ़ेद एक झिल्ली होती है बाहरी, और अंदरूनी जो होगी वो इसे रेटिना बोलते हैं। रेटिना पर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर अगर लाइट गिरती है जिसका इफेक्ट जिससे महसूस नहीं होता वो पॉइंट होता है अंधबिंदु कहलाता है, ब्लाइंड पॉइंट कहलाता है। ब्लाइंड पॉइंट यानी वो पॉइंट होता है जिसमें रे अगर गिरती भी है तो महसूस नहीं होगी, पता नहीं चलेगी कि लाइट है। बाकी रेटिना के जो स्फेरिकल होता है गोल होता है उसके किसी भी पॉइंट पर लाइट गिरेगी तो हमें लाइट के होने का उसके कलर का एहसास होगा। तो हमने बोला था ये जो ऊपर का पोर्शन होता है कॉर्नियल होता है और ये पारदर्शक होता है, इससे लाइट अंदर घुस जाती है, इंटर कर जाती है। और इसमें इधर एक जलीय द्रव भरा होता है, एक्वियस ह्यूमर भरा होता है जो एक अब उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, यानी रेज को जो है फैली हुई जो रेज आती है उनको अंदर कलेक्ट कर देता है। हालांकि ये मेन लेंस नहीं होता है लेकिन वर्क ये भी लेंस का ही करता है। इसके बाद यहाँ पर जो पश्चामिकी कोशिकाएँ होती हैं, पेशियाँ होती हैं, सेलुलरी मसल्स होती हैं, उनको वो यहाँ पर आती हैं, और इसका पीछे वाला जो पोर्शन होता है सेलुलरी मसल्स का ये एक लेंस को जो कि हम लोग जानते हैं तंतु का ही बना होता है, टिश्यूज का बना होता है, और ये उत्तल लेंस मेन लेंस होता है जो रेज को जो अभी थोड़ा तो इन्होंने एक्वस ह्यूमस ने मोड़ा था जो कि लेंस की फार्म में होता है कॉर्निया में, और उसके बाद जो इंटर करता है वो रेज ये मोड़ देती है, इतना मोड़ती हैं कि फोकस होने के बाद रेटिना पर फोकस हो जाए। ये बार अंदर वाली जो झिल्ली होती है मेम्ब्रेन वो रेटिना कहलाती है, रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनेगा वही स्पष्ट दिखाई देगा। और इसके पहले ये हमने जो दिखाया था ये जो सेलुलरी मसल्स है इसको अगर हम क्रॉस सेक्शन में देखें तो इस तरीके की गोल होती है, बीच में एक छोटा छेद जो कि हम यहाँ पर शो करना चाह रहे हैं ये होता है, इसके आसपास जो होगी गोल सा तो ये ही होता है जिसे हमने बोला आयरिस जो शटर का काम करती है। ये लाइट छोटी या बड़ी हो जाती है, ये बीच में पोर्शन होता है इसे पुतली बोलते हैं, पुपिल बोलते हैं। इसका साइज अगर धूप में होंगे हम तो छोटा हो जाता है ताकि लाइट कम अंदर हो और रेटिना को डैमेज ना हो, नुकसान ना पहुँचे, और जब अंधेरे में होते कमरे में होते रोशनी कम होती है तो ये साइज़ बढ़ जाता है ताकि हम देख सकें ऑब्जेक्ट को, ज़्यादा रोशनी पहुँचे। तो ये शटर का काम करता है, ये होता है आयरिश, आयरिश में एक छोटा छेद होता है इसे पुपिल बोलते हैं जो अभी बता चुके। अगला क्वेश्चन है हमारे नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड, नोबेल प्राइज़ हम लोग जानते हैं 5 फील्ड में दिया जाता है, तो छठी फील्ड एक और है जिसका नाम उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये आठवां हमारा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस सन में हुई थी, यानी कब से बांटे गए थे नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र में, तो 1968 में। नंबर 9 क्वेश्चन, DRDL का पूर्ण रूप क्या है यानी फुल फॉर्म बताना, तो डी फॉर यहां पर हो जाएगा डिफेंस, आर फॉर रिसर्च,
एंड इस डी फॉर हो जाएगा डेवलपमेंट, एंड इस एल से रिलेटेड होगा लेबोरेटरी, यस लैब। यानी इस तरीके से पढ़ेंगे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर कोरिया के वर्तमान शासक का नाम क्या है, जिनकी मिसाइलों की वजह से, जिनका परमाणु प्रोग्राम की वजह से अमेरिका की काफ़ी कोशिशों के बाद उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं, और उत्तर कोरिया का जो मुख्य सहयोगी है वो चाइना है, उसका 90% व्यापार चाइना के साथ ही होता है। तो उनके शासक का नाम, उत्तर कोरिया के जो वर्तमान शासक उनका नाम पूछा जा रहा है, किम जोंग उन, ये इनके वर्तमान शासक का नाम है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर वॉचिंग अस।